ऐसा क्या लिखा था उस चिट्ठी में जिसे पढ़कर अमेरिका में भौकाल मच गया? और यह शख्स एरोप्लेन से किस तरीके से गायब हुआ जो अमेरिकी पुलिस आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई? इस घटना के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना। डैन कूपर ऑफ डीबी कूपर इस कहानी का असली किरदार है जो अमेरिकी पुलिस के हाथ में आज तक नहीं लग पाया। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली फ्लाइट को डीबी कूपर बोर्ड कर लेता है और प्लेन में मौजूद सबसे आखिरी सीट पर जाके बैठ जाता है। और जैसे ही एरोप्लेन कुछ फासला तय कर लेता है, डीबी कूपर अपने पास में मौजूद एयर हॉस्टेस के हाथ में एक चिट्ठी थमा देते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है, आप मेरे पास आकर बैठ जाइए। उस चिट्ठी को पढ़ते ही एयर हॉस्टेस डीबी कूपर के पास जाके बैठ जाती है। तब कूपर अपने सूटकेस को खोलकर उसमें मौजूद बॉम्ब को दिखा देते हैं और फिरौती की डिमांड करते हुए ये कहते हैं कि मुझे $2,00,000 और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं इस पूरे प्लेन को उड़ा दूंगा। उसके बाद जब एरोप्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो वादे के मुताबिक कूपर को पैसे और पैराशूट दोनों दिए जाते हैं, जिसके बदले में कूपर करीब 36 पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं। फिर से कूपर पायलट्स को मेक्सिको सिटी की तरफ उड़ान भरने के लिए कहते हैं और जैसे ही प्लेन उड़ान भर लेता है, कूपर बीच रास्ते में ही $2,00,000 और पैराशूट लेके एरोप्लेन से छलांग लगाता है। उस दिन के बाद ना ही डीबी कूपर की लाश मिल पाई और ना ही डीबी कूपर जिंदा मिल पाया। लेकिन 1980 में कुछ ऐसा हुआ जिससे FBI को लगा कि ये केस सॉल्व की जा सकती है। दरअसल 1980 में कोलंबिया रिवर के पास खेल रहे एक बच्चे को एक पैसों से भरा पैकेट बरामद होता है जो कोलंबिया रिवर के पास गाड़ा गया था, जिसमें करीब $5,800 थे। तो जब इन नोटों पर मौजूद सीरियल नंबर्स को डीबी कूपर को दिए गए नोटों से मैच करा गया, तब वहाँ सीरियल नंबर मैच हो गए थे। लेकिन इस केस से संबंधित मिलने वाला यह सबूत आखिरी ठहरा, जिसके बाद इस केस से थक करके FBI ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सुनने में तो यह किसी मूवी की स्टोरी जरूर लग रही हो, लेकिन यह घटना असल में हुई थी जिसको आज तक FBI सॉल्व नहीं कर पाई। क्या आप ऐसे और रहस्यमय चीजों के बारे में जानना चाहते हो, मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।